हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेट दर्द से आप कैसे पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। बहुत सी महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि जब उन्हें पीरियड के आने से पहले पेट दर्द होता है तो वो इस बात का पता नहीं लगा पाती कि वो पीरियड से पहले का पेट दर्द है या फिर प्रेगनेंसी का दर्द है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से ये पता लगा लेंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि ऐसे कौन से शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पीरियड्स होने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी है, तो इनमें पहला सिम्टम जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी को अलग करता है, इसमें महिलाओं को शुरुआती हफ्ते में जी मचलाना, उल्टी होना, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का बढ़ जाना, कंसीव करने के बाद महिलाओं को थकान होना, लेजीनेस रहना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को शुरुआत में ही पैरों में सूजन भी नजर आने लगती है। प्रेगनेंसी की अर्ली सिम्टम्स ये सारे माने जाते हैं, जबकि आपको पीरियड्स के सिम्टम्स में हर महीने की तरह मूड स्विंग्स, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है। दूसरा सिम्टम जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी को अलग करता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स में से ही एक है। इसमें हल्की सी ब्लीडिंग होती है या फिर कहूँ तो स्पॉटिंग होती है, जिसमें आपको ब्राउनिश या फिर पिंकिश स्पॉटिंग हो सकती है। ये कुछ घंटों या कुछ दिनों तक भी हो सकती है, जबकि पीरियड्स के सिम्टम्स में ये ब्लीडिंग अच्छे से होती है। इसका कलर रेड होता है और ये आपको 5 से लेकर 7 दिन तक होती है। इसके अलावा तीसरा सिम्टम होता है जो कि प्रेगनेंसी और पीरियड्स को अलग करता है, जहाँ प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं को बॉडी में हल्की सी जकड़न होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एम्ब्रियो यूट्रस की बॉल पर जाकर जुड़ जाता है। वहीं महिलाओं को इस समय पेट, पेल्विक एरिया में या फिर कमर के निचले हिस्से में भी जकड़न जैसी फील होने लगती है। इस समय यूट्रस में आपको खिंचाव होने लगता है और इसकी वजह से भी आपको कमर या फिर आपके पेट में दर्द होने लगता है। ये आपको लगातार होने वाला दर्द होता है जो पूरे समय हल्का हल्का होता रहता है, जबकि पीरियड्स होने के सिम्टम्स में आपको पेट के निचले हिस्से में बीच बीच में रुक रुक कर मरोड़ महसूस होती है। और ये दर्द आपको पूरे दिन तक तो नहीं रहता, क्योंकि जब आपके यूट्रस की वॉल में भ्रूण नहीं जुड़ता तो वो अपने आप को तोड़ देती है ताकि अगले महीने के लिए खुद को फिर से बना सके। तो इस प्रोसेस में जब वो खुद को तोड़ती है तो हमें ब्लीडिंग होने लगती है, यानी हमारे पीरियड्स आने लगते हैं। इसलिए जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमें बीच बीच में पेट में मरोड़ महसूस होती है और उसके बाद हमें पीरियड्स आ जाते हैं। चौथा सिम्टम्स जो पीरियड और प्रेगनेंसी को अलग करता है, उसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में हार्मोन्स के लेवल में कम ज़्यादा होने के कारण पेट फूलने की भी प्रॉब्लम आपको फील होने लगती है। पेट में आपको पानी पानी जैसा भी फील होने लगता है। इसके अलावा इस वीक में आपको पीरियड की तरह ही मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको 4 से 5 दिन के बाद भी पीरियड आ जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो चले जाते हैं। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो ये सिम्टम्स आपके साथ अगले 9 महीने तक ज़्यादा रहते हैं। पांचवा सिम्टम जो प्रेगनेंसी और पीरियड्स को अलग करता है, उनमें महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ब्रेस्ट के साइज में भी चेंजेस नज़र आने लगते हैं। दूसरे या फिर तीसरे वीक तक ब्रेस्ट में सूजन हो जाना या फिर कड़ापन फील होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट की जो स्किन का कलर होता है वो भी चेंज होता है। वहीं पीरियड्स के सिम्टम्स में उस समय आपके ब्रेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जो 5 से 6 दिन तक रहती है। छठवां सिम्टम होता है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल माइग्रेन की दिक्कत भी हो जाती है, जिसका कारण आपके हार्मोन में उतार चढ़ाव होता है, जबकि पीरियड्स के सिम्टम में आपको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन नहीं होता। आपके पीरियड आने पर आपको PMS रहता है, जो आपको हर महीने पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले से फील होने लगता है। आखिरी सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में शुरुआती दिनों में जहां प्रेग्नेंट महिला को ब्रेस्ट में अचानक से भारीपन, टेंडरनेस फील होने लगती है, चेहरे पर अचानक से एक्ने हो जाते हैं, बाल झड़ने की शिकायत आने लगती है, जबकि पीरियड्स के सिम्टम में आपको ये दिक्कत बस 3 से 4 दिन तक रहती है, जबकि प्रेगनेंसी में ये आपको अगले 9 महीने तक रहने वाली होती है। तो आप प्रेगनेंसी के दर्द से पीरियड्स के दर्द को इन सारे सिम्टम्सों से पहचान सकती हैं। इसके साथ ही हर महिला को अपने पीरियड्स के दर्द की पहचान भी अच्छे से हो जाती है, तो वो उस दर्द से ये बता सकती है कि कब उन्हें पीरियड्स वाला दर्द हो रहा है और कब ये अलग तरीके का दर्द है।
वैसे तो प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स काफ़ी हद तक पीरियड्स के सिम्टम जैसे ही होते हैं, इसलिए पहले वीक में कई महिलाओं को ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो इस टाइम प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। इन सारे सिम्टम्स को अलग से पहचान कर आप इन सारे सिम्टम्स से पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। तो अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।